निरंजन नाथ वाचू वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। इस बाद में ये केरला और मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहे। 1934 में निरंजन नाथ वाचू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और बिहार में सब कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। 1965 से 70 तक का बोकारो स्टील लिमिटेड तथा सन 1968 से 72 तक नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल के चेयरमैन रहे। इनका जन्म 1 मई 1910 को मध्य प्रदेश राज्य के संतना जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो निरंजन नाथ वाचू ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज किग्ज कॉलेज के केवीएच से शिक्षा प्राप्त की थी। निरंजन नाथ वाचू कई भाषाओं के ज्ञात भी थे। ये अंग्रेजी तथा फ्रेंच के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाओं के कुशल ज्ञात थे। इसके बाद यह निरंजन नाथ वाचू ने वर्ष 1934 में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश किया और IAS बने। इनके अध्ययन आदि में विशेष रुचि थी। इसके बाद में ये भारत सरकार के वनिज और खदान में विभाग नियुक्ति हुए। सन 1948 में निरंजन नाथ वाचू आडिनिस की फैक्ट्री के महानिदेशक बने। 1948 से 57 तक सुरक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा सुरक्षा उत्पादन में मुख्य नियंत्रक नियुक्त हुए। इन्होंने विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के सदस्य रूप में भी निरंजन नाथ वाचू ने सेवाएं दी। 1948 से 61 तक के वित्त मंत्रालय में भी सचिव रहे थे। निरंजन नाथ वाचू लोहा इस्पात औद्योगिक विकास विभाग में सचिव के पद पर भी रहे। सन 1965 से 70 तक बोकारो स्टील लिमिटेड के, सन 1968 से 72 नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल के चेयरमैन भी रहे। इंडस्ट्रियल कस्टम और प्राइवेस ब्यूरो के चेयरमैन के रूप में सेवाएं देने के बाद निरंजन नाथ वाचू ने सन 1972 में अवकाश ग्रहण कर लिया। फिर ये 1 अप्रैल 1973 से 10 अक्टूबर 1977 तक केरला के, 14 अक्टूबर 1970 से 16 अगस्त 1978 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। निरंजन नाथ वाचू की मृत्यु 20 अक्टूबर 1982 को हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।